एक फोन करने दो ना। आजकल दुनिया में भरोसा बहुत कम लोग करते हैं, और अगर करें ना तो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं भरोसा तोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस एक फोन ही तो करना चाहता हूँ। वैसे मुन्ना ने माहौल ही खराब कर दिया है। मुन्ना ने माहौल खराब नहीं किया, जिसने उसे मारा है उसने माहौल खराब किया। मुन्ना की किस्मत ही खराब थी, वरना इतनी सी ऊंचाई से गिर के कोई मरता नहीं है। ऊंचाई? तुम्हें कैसे पता कि मुन्ना ऊंचाई से गिर के मरा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे नहीं पता। मुन्ना के सिर पे चोट का निशान था, मैंने खुद देखा है, और वो इंस्पेक्टर बालकनी के नीचे खड़ा था, वहाँ एक ईंट भी पड़ी थी। तुमने कब देखा? आंखें नहीं, लेंस है मेरी, सब दिखता है मुझे, और मुझे पता है मुन्ना गिर के ही मरा है। नहीं नहीं, अगर वो गिर के मरा होता तो उसकी लाश ऊपर कैसे पहुंच जाती? ये मुझे क्या पता। जिसने मारा होगा वही घसीट कर ले गया होगा ऊपर। नहीं नहीं, हॉल में इतने लोग हैं, इतनी सिक्योरिटी है, फिर खून के कोई तब्बे भी नहीं। कातिल इतना बेवकूफ नहीं है कि खून के धब्बे ना मिटा सके। क्या सिक्योरिटी, क्या लोग, मेरा भाई पार्टी से बाहर गया, मैं अंदर आया, किसी को पता चला गया? फिर भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मुझे एक राज की बात पता है, मैं एक ऐसी बात जानता हूँ जो यहाँ पर कोई नहीं जानता। कौन सी बात है? वो जो काले कमरे की बालकनी है ना, उसका फर्श ही नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब कि अगर उस बालकनी के बाहर कोई कदम रखेगा तो सीधा नीचे गिरेगा। अंधेरे की वजह से उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि कब उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई।